नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों का एक डाउट आ रहा था कि सर लैंग्वेज डोमेन और जीटी तीनों सेक्शन में हमने अपना फॉर्म फिलअप किया है, तो ऐसे में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन कौन सा है। और क्वेश्चन बहुत ही दिलचस्प था, मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो आइए एक एक पॉइंट्स को समझते हैं कि आपके एग्जाम में यदि सेक्शन तीनों आ रहे हैं, लैंग्वेज भी दे रहे हो, डोमेन भी दे रहे हो और जनरल टेस्ट भी दे रहे हो, तो कौन सा पोर्शन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग दिमाग में बैठाओ कि तीनों सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चन वेटेज या मार्क्स वेटेज किसका सबसे ज्यादा है। तो आप पाओगे कि जनरल टेस्ट में लगभग 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो ऐसे में एज कंपेयर सेक्शन वन एंड सेक्शन टू सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जीटी में है, तो जीटी जो है वो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा रहेगा। उसके बाद हम लोग देखें तो डोमेन आपका इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज तीसरे नंबर पर जाएगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लैंग्वेज है वो स्कोरिंग है, इट मीन्स लैंग्वेज में हर बच्चा अपना पेपर बहुत अच्छा करके आएगा, तो आपको भी अच्छा करना पड़ेगा। अदर ऐसा सोच रहे हैं कि लैंग्वेज को हम लोग हल्के में ले लेंगे, तो ऐसे में आप कंपटीशन में पीछे हो जाओगे। भाषा का जो परीक्षा है वो आपको मन से देना है। वो बात अलग है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में जो लैंग्वेज का परसेंटेज है, जो वेटेज है, वो 0.5% हो जाता है। आप मेरी बात नहीं समझे होगे, मैं आपको फिर से समझाता हूं। जैसे कि आप बीएचयू से बीए का फॉर्म डाले हो, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 3 एंड सेक्शन 1, यानी लैंग्वेज देना पड़ेगा और साथ में आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। तो जनरल टेस्ट तो 100% ये लोग कवर कर रहे हैं, यानी 100% इसका वेटेज मान्य है आपके कोर्स में, लेकिन लैंग्वेज में ये आपका 50% ही एक्सेप्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यदि आप पाते हो 180 नंबर लैंग्वेज में, तो वो इसका 90 मार्क्स ही ऐड करेंगे अपने कोर्स मेरिट में, समझ गए मेरी बात। लेकिन जनरल टेस्ट में यदि आप पाते हो 220 मार्क्स, तो पूरा 220 एज इट इज आपके कोर्स में इंक्लूड किया जाएगा, और ये लैंग्वेज और जीटी मिला के फाइनली आपका मेरिट बनेगा, और उस मेरिट में आप जैसे टॉप पे आओगे आपका सीट दिया जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि जनरल टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जनरल टेस्ट पे पूरा फोकस करना, बाकी डोमेन ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है तो उसकी प्रिपरेशन एज इट इज करते रहो। हाँ, लैंग्वेज के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना कि वो हर एक बच्चा अच्छा करेगा, तो ऐसे में लैंग्वेज भी आपको अच्छा करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस तीनों सेक्शन का है, लेकिन आप बात किए थे कि सर बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है, तो जनरल टेस्ट यानी जीटी जो है वो आपके सीयूटी 2023 में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मुस्कुराते रहे, बीएचयू पाठशाला देखते रहे। बीएचयू पाठशाला पे कोर्स रन कर रहा है 999 रुपए में, कोर्स ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है उस पर कॉल करें, और बहुत सारी शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे आपका कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हर महादेव।